स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्। स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की खास पेशकश कष्ट हरो बप्पा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। श्री गणेश, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ, गणपति उत्सव है, धूम है चारों ओर और बप्पा हमारे साथ हैं और हमारे दुख तकलीफ दूर करने आए हुए हैं, हमारे जीवन में खुशियां भरने आए हुए हैं बप्पा। और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भाई दबे पांव से आते हैं दुख तकलीफ और बहुत सी परेशानियां जब आती हैं तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन हाँ हमारे जीवन में जब ये परेशानियां आती हैं तो एक खलबली सी मच जाती है और हम चाहते हैं कि जल्दी से ये दुख तकलीफें जो परेशानियां हैं हमारे जीवन से कोसों दूर चली जाएं। लेकिन ऐसा हो सकता है जब एक दंताये की पीठ का आप स्पर्श करेंगे विधि अनुसार। कैसे आपके जीवन से दुख दूर हो सकता है और खुशियां वास कर सकती हैं, आइए विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, देखिए अगर आपकी कुंडली में आपके जन्मांक में किसी भी रूप में अष्टमेश या खष्टेश की दशा आ जाए और दुर्भाग्यवश यहाँ पर आपकी कुंडली का लग्न का स्वामी बैठ जाए, बहुत सिंपल सा योग हमने बताया, तो ऐसे कंडीशन में आप दरिद्रता से चारों तरफ से घिर जाते हैं और दरिद्रता का वास भगवान श्री गणेश की पीठ पर माना गया है। तो पीठ के ही स्पर्श से हम अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं, हर तरह से दुख आपसे दूर हो सकता है, लेकिन किस विधि से इस पीठ का स्पर्श करना है यही तो रहस्य है और इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज शो के दौरान शुभकर्ता दुखहर्ता के सेगमेंट, जिसका इंतजार जिसकी प्रतीक्षा आप करिए। कुछ और योगों के बारे में हम बताएं, साथ ही साथ हम आपके हाथ में दरिद्रता की एक रेखा भी दिखाएंगे, अगर आपके हाथ में वो रेखा बन गई है तो आज यह कार्यक्रम आपको समर्पित है, इतना दूर कर देंगे दरिद्रता को भगवान श्री गणेश कि आप सिर्फ और सिर्फ शुभता प्राप्त करेंगे, भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करेंगे। इसके अलावा अगर बहुत ज्यादा अपव्यय से आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा बेतहाशा खर्च हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये किचन पिटारा आपका इंतजार करेगा और इसका इंतजार आपको भी करना होगा, क्योंकि यहां से आज जो जादू का वो पिटारा निकलने वाला है, किचन की जो सामग्री है वह आपके जीवन में अनावश्यक अपव्यय को रोके। जी, और एक जादुई अक्षर भी आपके पास पहुंचने वाला है, जो है तो एक छोटा सा अक्षर लेकिन आपके जीवन में बड़े बड़े कमाल कर जाता है और आपको पूरे 24 घंटे लकी फील कराता है, क्योंकि हर काम जो बन जाते हैं आपके लकी अक्षर भी आपको बस मिलने ही वाला है। और उससे पहले अगर हम बात करेंगे रक्षा कवच, ये आपकी रक्षा सुरक्षा हमारे लिए अहम है, ऐसे में किसी भी खास काम के लिए अपने घर से जाएं आप, यात्रा के लिए जाएं आप, अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच। यदि भगवान श्री गणेश को अब तक आप मंदिरों में ही देखें अपने सम्मुख नहीं पाए तो गजानन के दर्शन का भी आज आपको एक विकल्प हम और देंगे, इंतजार उसका भी करना होगा। चलिए रक्षा कवच की बात करते हैं। पीपल के नीचे की मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पर, अपने सेंदन पर लगाना है, मस्तक को सेंदन भी कहते हैं, और तिलक लगाने के लिए अपनी अनामिका उंगुली का प्रयोग करिएगा, यात्रा करने से पहले आज कर लें, और कल के दिन हल्दी का तिलक माथे पर लगाकर फिर उसी फिंगर से नाभि को स्पर्श करके और फिर घर से प्रस्थान करना है, क्योंकि आपकी सुरक्षा बेहद अनिवार्य है। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सफलता दिलवाने की भी, तो आज के दिन में या कल की तारीख में कोई भी प्रतियोगिता है, इम्तिहान है, साक्षात्कार है, सफलता आपको जरूर मिल जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए लेकर चलनी है अपनी एक खास कुंजी यानी कि सक्सेस की।
आज के दिन के लिए कहीं पर भी परीक्षा इंटरव्यू देने से पहले आपको क्या उपाय करना है, हल्दी और नमक मिक्स कर लीजिएगा और मिक्स करके अपनी जिह्वा से अपनी टंग से स्पर्श करिएगा और फिर आप निकल जाइए। हर इंटरव्यू में आप सफल होंगे। कल के दिन के लिए एक सादे कागज पर 11 बार ओम राम लिखना है, लाल रंग की कलम से लिखकर अपने पास रख लीजिएगा और फिर आप परीक्षा हॉल में आप जा सकते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करना है कहीं परीक्षा देने के लिए, कोई नौकरी के लिए, तो भी आप इस उपाय को जरूर करिएगा, लाभ मिलेगा। व्यापारी हैं आप, व्यापार कर रहे हैं, तो भी अपने गले में इस उपाय को करके डाल सकते हैं, इस कागज को डाल सकते हैं 24 घंटे आपकी सफलता के लिए। जी हाँ, और प्रथम सर्वप्रथम देवता हैं बप्पा और विघ्नहर्ता हैं, और ऐसे में आज के दिन कौन से मंत्र का आप जाप करके बप्पा को प्रसन्न कर सकते हैं, आगे हम आपको बताएंगे गणेश मंत्रावली में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, दिल्ली से विमला जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। विमला जी, आप तक हमारी आवाज। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे, श्री राधे। आपका प्रोग्राम मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती। पहली दर्शिका है, देखिए आज पहली कॉल लग गई आपकी। हाँ जी, बहुत ही आप, हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू दीदी। एक आपका लक्की नंबर लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम होते हैं हमारे, बहुत अच्छा दिन जाता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही मजा। स्नेह आपका, आशीर्वाद आप बड़ों का। पंडित जी, मैंने अपने बेटे के लिए पूछना था, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 16/7/1983 जी। समय टाइम है 9:35 PM दिल्ली जी। अब बताएं अपना सवाल। उसकी शादी के लिए पूछना था पंडित जी, वो बैंक में है ऑफिसर, शादी की बड़ी कोई लड़की नहीं है, और कौन सी दिशा में होगी, कहाँ होगी, कैसी लड़की मिलेगी जी, कब तक होगी शादी? बिल्कुल माता जी, देखिए इनकी कुंडली कुंभ लग्न की है, राशि भी इनकी कुंभ है और जन्मांक ठीक है, लेकिन सप्तमेश अपने से द्वादश जाके बैठ गए हैं, बहुत प्रबल पितृ ऋण है इनके ऊपर, और पितृ ऋण वैसे तो सबके ऊपर होता है लेकिन इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही है, तो वंश वृद्धि के लिए, जैसे विवाह के बाद वंश वृद्धि होती है, संतान का जन्म होता है, हर जगह वंश वृद्धि में रुकावट आएगी, पुत्र में भी पुत्रियों में भी, तो पितृ ऋण की शांति कराइएगा। श्राद्ध आने वाला है, बहुत यूनिक सा कार्यक्रम हम लेकर आएंगे श्राद्ध के दौरान भी, तो अभी फिलहाल के लिए इनसे रविवार का व्रत करवाइएगा। दिशा आपने पूछा, पहले शादी तय होने दीजिए, वैसे बहुत मुश्किल हमें लग रहा है, फिर भी पूर्व दिशा की तरफ संकेत मिल रहा है, रविवार का व्रत अनिवार्य है, नमक का कम से कम सेवन करें और सात्विक आहार ग्रहण करें, पितृ ऋण से शांति के लिए कुछ दान करते रहें। जी हाँ, और खास तौर पर मंत्रों की अगर हम बात करें तो मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि जो देवी देवताओं को आपकी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए विवश कर देते हैं, और ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं जिसके जाप से बप्पा बेहद प्रसन्न होंगे और आपके सभी कष्टों को हर लेंगे। आइए जानते हैं वो विशेष मंत्र गणेश मंत्रावली में। बिल्कुल ठीक कहा कंचन जी ने कि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि देवताओं को भी अपने वश में करने के लिए विवश कर सकता है वो मंत्र, बसरते मंत्र का जप शुद्धता के साथ और उच्चारण बेहद बारीकी से करना होगा। किस तरह से विसर्ग लगाना है, कहां पर हलंत है, कहां पर क्या है, ये सारी चीजों का ध्यान देना होगा, नहीं तो वही कुंभकर्ण की तरह मांगेगा कुछ और मिल जाएगा कुछ। चलिए आज के मंत्र का जाप करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस मंत्र से मिलेगा क्या, मानसिक संतोष और आंतरिक शक्ति। मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं गजाननाय उमासुताय नमः, ओम ह्रीं गजाननाय उमासुताय नमः। अब इस मंत्र का जाप किस प्रकार से करना है, इस मंत्र को कैसे आप शुभता के लिए अपने लिए प्रयोग में ला सकते हैं, प्रयोग देखिएगा। स्नान के बाद दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, उसमें गुलाब जल मिला लीजिए और इस मंत्र का जाप करके अपनी नाभि पर इसका छींटा मारिए, 7 बार यह प्रयोग करिए, आंतरिक शक्ति मिलेगी और मानसिक शांति भी आपको मिलेगी, एक अलग तरह का संतुष्टि संतोष आपको प्राप्त होगा, भगवान श्री गणेश की कृपा मिलेगी। कानपुर से कृष्णा जुड़ी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछें आप। कंचन जी प्रणाम। नमस्कार। गुरु जी राधे राधे। भैया श्री राधे।
गुरु जी आज हम भी लकी कॉलर ही हैं, सेकंड नंबर पे मेरा कॉल लगा है, आपसे इतना लगाव है। जी बिल्कुल, हमारे साथ दूसरा बार कॉल लगा है सर। क्या बात है, देखिए, और लोगों का कई बार वर्षों तक कॉल नहीं लगता है और आपकी लग गई दूसरी बार। जी गुरु जी, छोटे बेटे के बारे में पूछना था। जी उसका जन्म तारीख है 15 जनवरी 2003। जी रात के 00:36 AM। जी कहाँ का जन्म है? बेगूसराय बिहार सर। बताइए, प्रश्न कर लीजिए। गुरु जी इसके बारे में, पढ़ाई के बारे में पूछना था, कैसा रहेगा जी, और टेंथ के बाद इसको किस क्षेत्र में भेजें कि उत्तम रहे, और करेक्टर कैसा रहेगा गुरु जी? जी, और कुंडली में कोई दोष है तो उसका उपाय के साथ थोड़ा बता दीजिए गुरु जी। बिल्कुल, तुला लग्न है बच्चे की और वृषभ राशि है, राहु की मादशा चल रही है, दोष तो वाकई है, चंद्र राहु का ग्रहण योग है और साथ ही साथ शनि भी बैठे हैं, तो प्रेत बाधा योग भी इसको कहते हैं। राहु और शनि चंद्रमा तीन ग्रहों की तिकड़ी अष्टम भाव को दूषित कर रही है। मंगल शुक्र एक साथ बैठे हैं सेकेंड हाउस में, जहां पर केतु भी है, तो केतु मंगल शुक्र का फल पहले ले लीजिए। ये गुप्त विवाह कराता है, अर्थात रास्ता चलते किसी कन्या का वरण कर सकता है बच्चा, यह भी बहुत बड़ा दोष है। और राहु शनि के साथ प्रेत बाधा योग, तो प्रेत बाधा की शांति भी करानी अनिवार्य है। हाँ, शुभ क्या है, बृहस्पति उठ चुके हैं दशम भाव में, तो जब तक पिता साथ है, जब तक पिता का संस्कार साथ है, बच्चे की रक्षा होती रहेगी। पिता से दूर होगा बच्चा तो कुछ न कुछ पतन के रास्ते पे जाएगा। राहु की शांति करवाइएगा, गौदान करवाइएगा, लाभ दिखेगा। जी हाँ, और गजानन के जो दर्शन है दुर्लभ है भाई, ऐसे भी आसानी से नहीं मिलते दर्शन करने को, लेकिन ये आसान हो सकता है, यानी बप्पा आपको अपने दर्शन करवा सकते हैं। इसके लिए एक प्रयोग है, वो हम आपको ब्रेक के उस पार बताएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि विनायक के रूप के दर्शन किस प्रकार आपके जीवन से, आपके मन से लालच और द्वेष को दूर करके विनम्रता ला सकते हैं, कैसे दोपहर बताएंगे। फिलहाल देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी, दीवाल पीएच प्लस। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जब पड़े सुबह तक चले, घर घुसने टोल भरना पड़े, ओ सिस्टर डोंट टेक लोड, यू हैव डन द डाउनलोड। तो आपके पास ICICI बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो ICICI बैंक पॉकेट्स डाउनलोड, पॉकेट्स बाय ICICI बैंक। सच्चा दा बंग हो, DMR Desire दीवाना बना। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है, पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं, पापा पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियो कॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ, और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और जैसे कि हमने आपको बताया कि आपके जीवन में दुखों को आने ही नहीं देंगे पप्पा, और जो दुख हैं उन्हें दूर कर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रयोग अपनाना है। और हाँ, खास तौर पर विरले ही होते हैं वो व्यक्ति जिनको बप्पा दर्शन दे जाते हैं, और ये खुशनसीब आप हो सकते हैं आज रात ही, लेकिन इसके लिए क्या उपाय करना है ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं।
और लकी कॉलर से भी हम आगे बात करेंगे। आप बनना चाहते हैं तो अपना नाम, शहर का नाम, फोन नंबर मेल कर दीजिए हमें कल ATMHLiveIndia.tv पर। और अपना चलिए अब आपको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय जिसमें आपको कोई भी अच्छे नए काम की शुरुआत नहीं करनी है, यानी कि राहु काल। एक होता है अशुभ, एक होता है बहुत ही अशुभ, ये वही वाला है, सेकंड वाला। दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक यह आज का राहु काल है। इस बीच कोई भी शुभ काम ना करें। और कल का राहु काल रहेगा 1:30 से ठीक 3 बजे तक। इस बीच में भी आपको कोई भी शुभ काम करने से बचना होगा, इनफैक्ट कोई भी काम की शुरुआत ना ही करें तो बेहतर है। जी हाँ, और एक होता है शुभ, एक होता है महाशुभ। जिस समय में अगर आप कोई काम करेंगे तो वो काम बनेगा ही बनेगा, जिसे कहते हैं गुलिक काल। नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। गुलिक काल का समय आज का नोट कर लीजिएगा 10:30 से ठीक 12 बजे तक। इस बीच हर एक काम बन सकते हैं आपके, काम अगर आप शुरुआत करते हैं तो वह अंजाम तक पहुंचेगा। कल का गुलिक काल रहेगा प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। इस बीच में भी आप हर एक शुभ काम की शुरुआत जरूर करिएगा। जी हाँ, दिल्ली से विजय जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछे आप। विजय जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच। मेरा नाम विजय कुमार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। मेरे 2/6/1960। फिर से बोलिए। मेरे 2/6/1960। हाँ, मेरा पहला सवाल तो ये है कि मेरी राशि कौन सी है जी? जन्म समय स्थान है दिल्ली का। जन्म समय सुबह का है, टाइम नहीं मालूम। चलिए राशि तो हम बता ही देंगे आपको। आपने पूछा विजय जी कि आपकी राशि क्या है, हम बता देते हैं। कुंडली के अनुसार मिथुन, माफ कीजिएगा, सिंह राशि है आपकी और ग्रहण योग में आप पैदा हुए, चंद्र राहु की उपस्थिति एक साथ थी। 2 जून 1960 के हिसाब से आपकी सिंह राशि बनती है। जी हाँ, और चलिए अब सच्ची श्रद्धा के साथ जो आपको प्रयोग बताएंगे आचार्य जी, इस पर अमल कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से रात को यानी कि आज ही रात आपको गजानन दर्शन देंगे। अनुरोध बार बार हमने आप लोगों से किया कि अगर जन्म समय का ज्ञान न रहे तो कॉल मत किया करिए, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होंगे आपको बता पाने में। बेहतर है कि जब एग्जैक्ट टाइम पता रहे तो आप कॉल किया करिए, जिससे हम सटीक जानकारी दे सकें। बहुत लोग लाइन पर रहते हैं, एक कॉल का समय आप ले लेते हैं। गजानन के दर्शन कैसे करें, जन्मांक में बृहस्पति और केतु कहां पर उपस्थित हैं निर्भर करता है। लग्नेश से द्वादश में होंगे तो 100% दर्शन आपको मिलेगा। कुछ और योगों के बारे में बताएंगे आगे। रेखाओं में दरिद्रता की रेखा भी दिखाने वाले हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, तब तक गजानन का दर्शन करा दिया जाता है। एक पीपल का पत्ता आपको प्राप्त करना है, वृक्ष के नीचे से आप उठा लीजिएगा श्रद्धा पूर्वक और गंगा जल से धुल लीजिएगा। लौंग से हल्दी के द्वारा उस पत्ते पर अपना नाम लिख दीजिए। लौंग आराम से आप लौंग से लिख सकते हैं, कलम जैसी लगती है। काला धागा जो है पत्ते पर बांध दीजिए, कहीं पर भी ऊपर नीचे कहीं बांध दीजिएगा, और सामने रख के पत्ते को दीपक दिखाना है, जिस दीपक से आप भगवान श्री गणेश की आरती करते हैं। गणपत का ध्यान करें, नेत्रों को बंद करें, उनका बिल्कुल मुख आपके सम्मुख रहे, हंसता हुआ आपको आशीर्वाद देता हुआ उनका चेहरा आपके सम्मुख रहना चाहिए। सिरहाने रख लीजिए और शयन करें, भगवान श्री गणेश सप्तमी दर्शन देंगे। चाहे तो कुछ वरदान भी लिख करके रख सकते हैं, जो कि आपको रिकॉल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दर्शन दें और आप कुछ मांग ना पाएं। प्रातःकाल इसको पुनः आप पीपल के नीचे रखाइए। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं, लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। जी आप तक हमारी आवाज। जी पंडित जी, राधे राधे। श्री राधे, क्या नाम है आपका? आनंद शुक्ला पंडित जी। शुक्ला जी, शुक्ला, बहुत बधाई। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? धन्यवाद धन्यवाद पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं भैया शुक्ला जी? इलाहाबाद से जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल संगम की नगरी, बहुत धार्मिक नगरी से हैं आप और भाग्यशाली हैं। कैसा लगता है कार्यक्रम आपको? बहुत अच्छा लगता है पंडित जी। कब से जुड़े हैं? देखते हैं इसको। कब से जुड़े हैं शुक्ला जी? करीब साल भर से। साल भर से जुड़े हैं, और देखिए आज
कॉल किया गया आपको कार्यक्रम की तरफ से, बताइए अपने बारे में जानना है। जी 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 पंडित, बताइए डेट ऑफ बर्थ। 20/8/1976। हाँ, समय, जन्म समय शुक्ला जी बताइए। सुबह के 7:10 इलाहाबाद। करिए प्रश्न कर लीजिए अब। पंडित जी मैं जानना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जिससे कि मेरा करियर ठीक ठाक चलता रहे। हाँ। और दूसरी चीज, मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे कि ये, और ये कब तक दूर हो सकती है। परेशान किस तरह से हैं शुक्ला जी आप? मानसिक रूप से बहुत मजबूत कुंडली दिखाई दे रही है, क्या दिक्कत होती है मानसिक रूप से? पंडित जी एक इंसान ने धोखा दिया जिसके वजह से मैं अभी तक जो है उबर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, मतलब पैसा वैसा लेके भाग गया? पैसा नहीं, मतलब इस तरह से कि जो है चरित्र के ऊपर ऐसा कुछ है कि। जी चलिए बता देते हैं, शुक्ला जी कुंडली आपकी बेहद मजबूत है, वैसे सूर्य लग्न में ही आपके बैठा है स्वग्रही होकर के, अर्थात सिंह लग्न आपका है, अब इससे ज्यादा मजबूती क्या मिलेगी। और दसम भाव में उच्च का चंद्र बृहस्पति के साथ है, तो हमें तो डाउट हो जाएगा अगर आप कहेंगे कि हम मानसिक रूप से कमजोर हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। बुध आपका उच्च का है सेकंड हाउस में, तो आप किसी भी बातों पर ध्यान ना दीजिए। पहली बात, बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले, अब जो कल बीत गया है उसके विषय में विचार करके आप कुछ ना सोचिए। बड़े बड़े लोगों पर भी चारित्रिक रूप से दोष या लांछन लगता रहता है, वक्त के साथ सब कुछ भूल जाते हैं लोग, आगे बढ़ जाते हैं, तो अब से सुधरें, अब से सुधार लाएं, अपने आप को मजबूत बनाएं। बृहस्पति की महादशा है 30/15 तक, तब तक कुछ केले के पौधे आप किसी मंदिर में रख दीजिएगा, और वैसे तो आप ब्राह्मण हैं तो जनेऊ पहनते होंगे तो बहुत शुभ है, नहीं पहनते तो जनेऊ पहन लीजिएगा, और जा करके सुंदरकांड का पाठ 41 दिन लगातार मंदिर में बैठ कर करिएगा। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, धन योग बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहिए, आगे बढ़िए। जी हाँ, रांची से सोनल हैं जुड़ी हमारे साथ, स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछिए आप। जी सोनल जी। नमस्ते मैम। नमस्कार, प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे। मैं अपने दीदी के बारे में पूछना चाहती हूँ, डेट ऑफ बर्थ है 4/12/75। जी। रात में 10:30। जी रांची। जी जी कर लीजिए प्रश्न कर लीजिए। क्या इनकी कुंडली में गणमूल दोष है क्या, और दूसरी इनकी हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है? हाँ, तो अब और इनका आगे मैरिटल लाइफ कैसा रहेगा, और मेरा मेरी दीदी के साथ रिलेशन आगे कैसे रहेंगे? 1975 बताया, 75 बताया। हाँ जी हाँ जी। शादी अभी नहीं हुई है क्या? सॉरी सर, शादी अभी नहीं हुई है? हो गई है, हो गई है। तो दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है? लाइफ आगे कैसी रहेगी? अच्छा, आगे कैसी रहेगी? देखिए कुंडली में गंडमूल दोष है, बिल्कुल मूल नक्षत्र में ही इन्होंने जन्म लिया है, सिंह लग्न है, धनु राशि में मूल नक्षत्र पड़ता जो कि केतु का नक्षत्र है, और केतु जन्मांक में भाग्यस्थ है, भाग्य भाव में बैठा है, धार्मिकता से उन्नति देता है, निश्चिंत रहिएगा अब गंडमूल का कोई दोष ऐसा लगना नहीं है। मूल दोष, गंडमूल दोष जो 5 नक्षत्रों का होता है, यह आरंभिक अवस्था में 12 वर्ष तक की अवस्था में असर करता है, इसके बाद आप लोग परेशान मत होइएगा, फालतू के पंडितों के चक्कर में पड़ के कि इसकी शांति करवाइए तो अशुभ हो गया, 75,000 मंत्र का जाप, नथिंग लाइक दैट, कुछ नहीं ऐसा है, निश्चिंत रहें। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, शुक्र के साथ राहु बैठा है तो मां संतोषी का व्रत करवाइएगा जिससे थोड़ा सा वाणी में इनके नम्रता आए, सौम्यता आए। और रही बात आपके साथ संबंध की, अगर आप छोटी हैं तो बुरा रहेगा, अगर आप बड़ी हैं इनसे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि जी तोड़ मेहनत करते हैं आप, अच्छे से पढ़ाई करते हैं आप, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग से सब कुछ साफ हो जाता है, यानी अच्छे से आप परीक्षा नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से नंबर अच्छे नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ, वक्रतुंड के हाथों का स्पर्श आपको जो है उत्तम शिक्षा का वरदान मिल जाएगा इसके जरिए, लेकिन क्या होंगे प्रयोग हम कल सुबह बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौट ब्रेक के बाद। गणपति देवा, गणपति देवा। जयकार है ये कुंभ की भूकार है, जब
कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। नो केमिकल एलर्जी 100% आयुर्वेदिक दीवाल बीएच प्लस हेयर कलर। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। Come on. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। दिव्या कूल आराम से ज्यादा। जब दिव्या कूल है तो कोई और क्यों? दिव्या कूल अंडरवेयर बनियान। विदेश में छिपाई परिसंपत्ति, इसकी घोषणा काला धन अधिनियम के तहत 30 सितंबर 2015 को या उससे पहले करें और अपना देय कर तथा जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर 2015 तक करें। भरो टैक्स, करो रिलैक्स। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 मिनट। लाइव इंडिया की ओर से रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है। रक्तदान ये श्रेष्ठ दान है। मैं लाइव इंडिया को और ब्लड डोनेट करने वाले सभी हमारे भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामना और शुभेच्छा देता हूँ। यूपी में अखिलेश के वर्दीधारियों ने फिर दिखाई बर्बरता। वाराणसी में साधु संतों पर जमकर बरसी लाठियां। मूर्ति विसर्जन को रोके जाने पर से धरने पर थे साधु संत। पीएम मोदी 7 दिनों के आयरलैंड अमेरिका दौरे पर रवाना। 60 साल बाद पड़ेंगे आयरलैंड की सरजमी पर भारतीय प्रधानमंत्री के पैर। अमेरिका में ओबामा से मिलकर देंगे आपसी संबंधों को नई ऊंचाई। राहुल के विदेश दौरे पर कांग्रेस की सफाई। कहा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने गए हैं अमेरिका। उपाध्यक्ष के दौरे से जुड़ी अफवाहें, अटकलों को किया एक सिरे से खारिज। आप विधायक सोमनाथ भारती की तलाश में जारी छापेमारी। पूर्व कानून मंत्री के परिजनों से पुलिस ने की पूछताछ। दहेज प्रताड़ना और हत्या की कोशिश के मामले में भारती की रद्द हो चुकी है जमानत याचिका। गुजरात पुलिस का दावा, हार्दिक ने रची थी सूरत में हिंसा की साजिश। दबोचे गए सहयोगी ने किया खुलासा। अनामत आंदोलन के संयोजक पटेल की जारी है सरगर्मी से तलाश। यूपी में पंचायत चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 12 आईपीएस और 21 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। 9 अक्टूबर से 4 चरणों में होने हैं पंचायत चुनाव। और गुजरात के सूरत में लिखी जा रही है भाईचारे की नई इबादत। गणेश पंडाल में सभी धर्म के लोगों ने की साझा महाआरती। आपसी प्रेम और सौहार्द की मांगी गई दुआ।